एक्सरसाइज 7.4, इसमें हमने क्वेश्चंस कर लिए थे 17 तक, मुश्किल 4-5 क्वेश्चंस बचे हैं, ख़त्म कर देते हैं आज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है 5x माइनस 2 नमस्ते 1 प्लस 3x स्क्वायर, तुम लोगों को भी लो ये क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक ना। इसमें क्या है, 5x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर है। देखो अगर इसको तुम टी पुटिंग कर दो, क्या पुटिंग कर दो, सबसे पहले ऑब्जर्व कर लो इसको, टी पुटिंग करते हैं तो 6x प्लस 2 क्या बनेगा, 6x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5x माइनस 2। ठीक है, देखो इसको करने के दो तरीके बताता हूँ मैं, किस तरीके से इसका फैक्टर बनाएंगे। देखो इसका डिफरेंशिएट करने पे क्या आ रहा है हमारा, 6x प्लस 2, तो 5x माइनस 2 को तो एक तो इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, क्या कर लो इसको, इसमें इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ऐसे मैन्युअली 5x माइनस 2 है ना, 2 को साइड कर दो, 2 को क्या कर दो, साइड कर दो। देखो 5 6x में से क्या करो, 6 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया। ठीक, अब इसमें करना क्या है, प्लस 2/6 को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 6 कॉमन आएगा ना इसमें से, हमें क्या बचाना है, 6x प्लस 2, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, तो 5/6 क्या बचेगा यहाँ पे, 6x प्लस 2 इतना बचा, और ये हो जाएगा माइनस का 10/5 का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस का 2/6 में, माइनस का 10/6 बचेगा और माइनस का 2 है, माइनस का 2 कितना, 6 × 12 और 10 = 22, तो 5/6 6x प्लस 2 माइनस 22/6। ओ तो हम इसको 5x माइनस 2 को इस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। इसको करने का दूसरा शॉर्ट तरीका ये होता है, एक तो इस तरीके से तोड़ सकते हो, दूसरा कैसे तोड़ना है इसको वो बताता हूँ मैं। देखो जो 5x माइनस 2 बराबर, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं 5x माइनस 2 बराबर ये आएगा तुम्हारा d upon dx 1 प्लस 2x प्लस 3 नमस्ते 1 प्लस 2x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस बी प्लस बी। ठीक है, देखो इसमें इसका 5x माइनस 2 बराबर a, इसका डिफरेंशियल 2 प्लस 6x प्लस बी, 6x प्लस बी, ठीक है ना। देखो ये जो 5x माइनस 2 बराबर 2a प्लस 6ax प्लस बी, यहाँ पे करना क्या है, हमें तुलना करना है दोनों साइड में, क्या करेंगे, तुलना करेंगे कि x के जो कोफिशियंट्स है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, x के कोफिशियंट क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्या जाएगा 6a इक्वल टू 5। देखो x के साथ कितना है यहाँ पे 6a, x के साथ कितना है यहाँ पे 5, तो 6a बराबर क्या जाएगा 5, और देखो 2a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, 2a प्लस बी क्या है, कॉन्स्टेंट है, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस 2 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकालो, सॉल्व करके क्या निकालो, a और b, देखो यहाँ से a बराबर क्या जाएगा 5/6, यहाँ से b बराबर क्या जाएगा -2 - 2a, तो माइनस का 2 इंटू माइनस 2 इंटू
पाँच बटे, छः दुना बारह और दस, माइनस का बाईस बटे छः, माइनस का बाईस बटे छः, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना है पाँच बटे छः, इसका डिफरेंशिएट कितना हो गया टू प्लस सिक्स एक्स, मतलब सिक्स एक्स प्लस टू, और बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का बाईस बटे छः, पहले भी वही आ रहा था अभी भी वही आ रहा है। तो ये तो ट्रेडिशनल तरीका ये होता है, अगर तुम्हारा मेंटली जो पावर है वो ज़्यादा है तुम डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो हैं, मतलब इसको तोड़ना है, क्योंकि अगर इसमें पीसटी सब्स्टिट्यूट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम इसको नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं 6.7.4 के, वो भी हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। वो कब अप्लाई होता है, जब ऊपर वन होता है, लेकिन ऊपर फंक्शंस है ना, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 5x-2 इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इस फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। देख सवाल करता हूँ पूरा, फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, ईजिली समझ में आएगा, ठीक ना। आई इक्वल टू हो जाएगा, देखो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पाँच बटे छ सिक्स एक्स प्लस टू माइनस बाईस बटे छ डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना, वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये हो जाएगा, तोड़ लो इसको, अलग अलग कर लो, पाँच बटे छ इंटीग्रेशन ऑफ सिक्स एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ऑफ डी एक्स माइनस बाईस बटे छः इंटीग्रेशन वन बाय थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन होगा है। अब दो फॉर्म में कन्वर्ट हो गई इक्वेशंस, ये वाला पार्ट प्रतिस्थापन विधि से हो जाएगा, और ये वाला पार्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे हो जाएगा। तोड़ दिया ना, यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेट ये नहीं हो रहा, तो इसी फॉर्म में तोड़ने के लिए इसको, जब इस फॉर्म में तोड़ोगे तो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा और दूसरा फॉर्मूला आएगा, रेगुलर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें तोड़ने के लिए जो फंक्शंस ऊपर दे रखा होगा उस फंक्शंस को क्या मानेंगे, ए डी अपॉन डी एक्स, जो भी फंक्शन दे रखा होगा नीचे उस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन प्लस बी, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बी ऐसे आ जाएगा, हमने यहाँ पे एक्स वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी तुलना कर लेंगे, और इसके अलावा जो कांस्टेंट बचेंगे, कांस्टेंट बचे क्या, बी और टू ए, तो टू ए प्लस बी, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है माइनस को दो, इन दोनों की तुलना करके दो इक्वेशंस बन जाएगा। दोनों इक्वेशन से एक से ए का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से बी का वैल्यू निकाल के इस वाले इक्वेशन में फिर से एक और बी का वैल्यू पुटिंग कर देंगे। मतलब अब 5x-2 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसको पूरा फिर से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5x-2 आएगा। इस फॉर्म में इसने तोड़ा है क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेट करना था, एक को हम प्रतिस्थापन विधि से करना है, दूसरे को हम फॉर्मूला लगा के यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो आगे यहाँ पे इसको क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे इस वाले पार्ट्स में, पुटिंग 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या रखते थे टी, तो ये जाए 6x प्लस 2 ऑफ डी एक्स बराबर क्या जाएगा डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन जो है 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी, क्या जाएगा डी टी बाय टी माइनस का 22/6, इसका पूर्ण वर्ग बनाओ, क्या बनाओ पूर्ण वर्ग बनाओ। देखो 3 है ना, 3 कॉमन ले लो पूरे इक्वेशंस में से, इसमें से 3 क्या करो कॉमन ले लो, तो 6 × 3 क्या जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स प्लस 1/3 डी एक्स। पहला को इसको पूर्ण वर्ग बनाने का सबसे पहला मेथड क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के साथ अगर नॉन परफेक्ट नंबर्स दे रखा है तो उससे क्या कर दो इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ठीक है ना। हमने इक्वेशंस को क्या डिवाइड, किससे डिवाइड कर दिया, 3 से, ठीक है। 3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 3 उसमें से कॉमन आ जाएगा, ठीक ना। अब इसमें हम क्या करेंगे कि एक्स बाई एक्स के साथ जो गुणांक है इस गुणांक में हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसका हाफ के स्क्वायर को एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 5/6 log t, ये तो log में आ जाएगा, माइनस का 22 कितना जाएगा, ये 18
इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय देखो एक्स स्क्वायर प्लस दो बटे तीन एक्स प्लस इसको दो से भाग कर दो एक बटे तीन आएगा कौन कह रहा है चार बटे तीन माइनस एक बटे तीन का स्क्वायर कितना जाएगा नौ प्लस एक बटे तीन ऑफ डी एक्स ठीक है दिया जाएगा पाँच बटे छ लॉग टी टी का वैल्यू कितना है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन माइनस बाईस बटे छः दो से काट दो ग्यारह बटे नौ दो से ऊपर नीचे कट जाएगा तो क्या जाएगा ग्यारह बटे नौ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय देखो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्स प्लस वन बाय थ्री का स्क्वायर और ये हो जाएगा तुम्हारा एक बटे नौ में से एक बटे तीन घटा दो कितना बचेगा एलसीएम कितना जाएगा नौ सॉल्व कर लेता मैं एलसीएम कितना जाएगा नौ नौ एक कम नौ तीन तीन नौ दो बटे नौ प्लस दो बटे नौ तो इसको लिखेंगे रूट दो बटे तीन का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा दो बटे तीन और सॉरी दो बटे नौ को लिख देंगे रूट दो बटे तीन का स्क्वायर तो ये फॉर्म बन गया ए स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बता जल्दी बता बेटा डूब के मर जाओ तुम लोग 17-18 क्वेश्चंस कर लिया हम लोगों ने और तुम्हें अभी तक फॉर्मूला याद नहीं हुआ हाँ वन बाय ए वन बाय ए रूट दो बटे तीन टेन इनवर्स एक्स पूरा हो जाएगा ये एक्स प्लस एक बटे तीन बटे रूट दो बटे तीन प्लस सी तीन तिया नौ तीन पाँच बटे छः लॉग थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ठीक ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का ग्यारह बटे तीन रूट दो और ये हो जाएगा टेन इनवर्स इसको सॉल्व कर देखो देखो क्या आएगा थ्री एक्स प्लस वन एक्स प्लस एक बटे तीन को अगर सॉल्व करेंगे कितना आएगा थ्री एक्स प्लस वन बटे तीन और बटे तीन तीन से तीन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ये थ्री एक्स प्लस वन बटे रूट दो प्लस इतना शॉर्ट कट तो तुम मार ही सकते हो हैं हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5 एंड एक्स माइनस फोर ऑफ डी एक्स ठीक है ना देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं अब 23 तक सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे ठीक है ना एक बार तुम्हें अगर इसके नब्ज पकड़ लिया इजीली कर लोगे ठीक है ना देखो करने का तरीका वही है 6x प्लस 7 रूट ऑफ मल्टीप्लाई कर लो इसका तो एक्स स्क्वायर कितना जाएगा माइनस का 9 एक्स प्लस का 20 ऑफ डी एक्स पाँच चार 9 और चार पंजे 20 ठीक ना देखो इसका इंटीग्रेट करें इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स का तो कितना आएगा 2x माइनस 9 2x माइनस 9 ऊपर कितना है 6x प्लस 7 ठीक देखो इसको मैं सिंपल तरीके से करता हूँ 6x को हम तोड़ सकते हैं क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2x 2x हमारा बन गया क्या बन गया 2x बन गया बनाना क्या चाहिए हमें 9 तो ऐसी संख्या लो जिसमें से 3 कॉमन आने पे 9 बचे 3 कॉमन आने पे कितना बचे 9 बचे तो माइनस का 27 और प्लस का 27 कर सकते हैं मैं तुम्हें ऐसे समझा रहा हूँ बाकी वैसे भी करा दूंगा मैं तो ना ऐसे किस तरीके से सोचते हैं अरे बस समझे हमारा नंबर्स क्या है 6x प्लस 7 है ठीक इसका डिफरेंशिएट करने पे क्या मिल रहा है हमें 2x माइनस 9 मिल रहा है इसका डिफरेंशिएट तो हमें 6x प्लस 7 को एक तो इस फॉर्म में तोड़ना है प्लस
प्लस एक कॉन्स्टेंट बचाना है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास 6x है, yes. तो 6x को हमने तोड़ा कितना, 3 × 2x, क्लियर है। अब इसमें से एक ऐसी संख्या को जोड़ना या घटाना है जिसमें से 3 कॉमन लाने पे कितना बचे, 9 बचे, तो कितना हो सकता है, 27 से 3 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, 9। प्लस का 7 ये है, प्लस का 7 ये हो जाएगा। देखो इन दोनों में से अगर मैं क्या करता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ तो 2x-9 और ये प्लस का 34, देखो ये बन गया ना 2x-9, तो ये तो डिफरेंशिएट उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में आ जाएगा और ये फॉर्मूले में आ जाएगा। इस तरीके से तोड़ना आ रहा है तुम्हें, नहीं आ रहा है तो अपना पुराना मेथड ट्रेडिशनल मेथड में चलते हैं। हम अपने ट्रेडिशनल मेथड में चलते हैं, देखो क्या लिखेंगे, 6x+7 = a, d/dx, x²-9x+20+b। कराऊंगा, उससे भी कराऊंगा क्वेश्चन, पहले ये मेथड तुम्हें आ जाए करना, ठीक है। तो 6x+7 = a, x²-2x-9+b। देखो 2ax-9a+b, देखो तुलना कर दो, क्या कर दो, तुलना, देखो क्या 2a = 6, तो a बराबर कितना जाएगा, 3, वहाँ पे भी हम लाए थे a = 3, कॉमन आ रहा था ना, ठीक। और माइनस का 9a प्लस का b बराबर कितना, 7, तो यहाँ से जाएगा b = 7+9a, तो 7+9 = 27 कितना आएगा, 34, वैसे भी 34 आ रहा था। देखो क्या आ रहा था, 6x+7 = a, a का वैल्यू कितना, 3, 2x-9 + 34, हमने तो ऐसे तोड़ लिया था उसको, तोड़ा था नहीं तोड़ा था, हैं यार ऐसे करो या वैसे करो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या जाएगा ये, हाँ इसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, इसमें तुम्हें लंबा करना पड़ेगा, अगर तुम्हारे सोचने की पावर ज़्यादा है तो तुम वैसे ही कर लोगे, तुम्हें इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है पड़ेगा। बटे ये जो √x²-9x+20dx, हाँ सेम भाई, मतलब इसकी जगह हमने ये वाला वैल्यू रख दिया, 6x+7 की जगह हमने ये वाला वैल्यू रख दिया हमने, ठीक ना। ये टूटेगा अब 3√2x-9/√x²-9x+20dx+34 integration 1/, ये जो रूट ऑफ, देखो इसको साथ साथ में हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बना के चलते हैं, साथ ही साथ पूर्ण वर्ग भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो x²-9x, 9 के x² कितना है 9, 9/2 के वर्ग को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं, तो +9/2 का² - 9/2 का² और प्लस का 20, ये जगह dx, ठीक है। तुम चाहो तो इसको इस तरीके से कर सकते हो, इसको i1 ले लो और इसको i2 ले लो, सबसे पहले इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर इसको इंटीग्रेट कर लो, फिर यहाँ पे दोबारा से वैल्यू रख दो, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली करूँगा यहाँ पे, इस वाले फर्स्ट टर्म्स में x²-9x+20 = t रखते हैं, तो इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा 2x-9dx = dt, हो जाएगा ये, तो हो जाएगा 3 √dt/√t, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, +34 dx/, यहाँ पे आएगा x-9/2 का² और ये जगह +20 - 81/4 का √, लिख सकते हैं 20 को पहले लिख लिया और 81/4 को बाद में लिख दिया, देखो 20 चौक 80 में से 81 घटा दो कितना बचेगा, -1, तो -1/4 बचेगा ये,
और ये जाएगा थ्री इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर माइनस के बटे दो, ऊपर ले जाएंगे इसको, डी टी प्लस 34 डी एक्स बाय रूट ऑफ एक्स माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स रूट, सेम ही आ जाएगा पूरा फंक्शन, ठीक है। ये तो जाएगा थ्री टी की पावर 1/2, ये जाएगा प्लस का 34 और ये जाएगा लॉग एक्स, एक्स कितना जाएगा 9, एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ, यही पूरा फंक्शन आ जाएगा, पूरा फंक्शन उठा के रख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अगर तुम्हारे अंदर अकल है तो, क्योंकि सॉल्व करोगे फिर से वही आएगा, सॉल्व करोगे फिर से वही आएगा, तो इसके जगह क्या रख दो डायरेक्टली, वही रख दो वैल्यू, ठीक है, क्लियर है, कल हो गए। अब यहाँ पे टी का वैल्यू रख दो, तीन दोनों कितना जगह 6, टी का वैल्यू कितना है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग एक्स माइनस 9/2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। फिनिश। गौरव कहाँ गया आजकल? देख देख, इसमें मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्वेश्चंस, ठीक है। देखो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का 4 माइनस 2x, यहाँ पे x है, क्या है x है, हमें माइनस का 2x चाहिए, माइनस से माइनस 2 से ऊपर नीचे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस का 4 रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसी के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर ये मेथड ये ट्रिक अपना रहे हो तो इस ट्रिक में क्या करो, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएट निकाल दो, डिफरेंशिएट निकालने के बाद फिर देखो कि x के साथ क्या है, तो x को सबसे पहले उसी फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट अपने आप बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 4 है, हमें प्लस का 4 चाहिए, क्या चाहिए प्लस का 4, तो माइनस के 4 को हम क्या ले सकते हैं, प्लस 4 माइनस का 8 लिख सकते हैं, 8 में से अगर 4 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 ही तो आएगा, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस का 8 रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, बन गया, बन गया, नहीं बेगा है, वंस मोर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, देख x है, x को माइनस का 2x बनाना है, तो 2/2 से हमने क्या कर दिया, माइनस के 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 1/2 तो बाहर रहेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से करेंगे तो माइनस का 2x, 2 से करेंगे तो माइनस का 4, यहाँ पे प्लस का 4 चाहिए तो माइनस के 4 को हम लिखेंगे 4 माइनस 8, क्योंकि प्लस का 4 चाहिए, प्लस ऐसे संख्या देखो जिसमें से प्लस का 4 घटाने पे माइनस का 4 बचे, तो कितना जाए 4 माइनस 8, तो माइनस के 4 की जगह हमने क्या लिखा 4 माइनस 8, क्लियर है। बाकी तुम अपना ट्रेडिशनल मेथड भी यूज कर सकते हो, तो माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन माइनस का 2x प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, अच्छा माइनस 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 क्या जगह प्लस 8/4 1/√ ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx लिख सकते हैं। देखो इसमें तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, अभी करते हैं, रूट ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको तो अभी ऐसे रख दो, ठीक, ऑफ dx
प्लस, सॉरी दो था ना ये, चार क्यों लिख दिया, ये जाएगा चार इंटीग्रेशन ऑफ, देखो इसमें हम क्या जोड़ेंगे और क्या घटाएंगे, चार बटे दो कितना जाएगा दो, इसका आधा दो, दो के स्क्वायर के ऊपर जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ डी एक्स। अच्छा अगर कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में है, कभी भी एक्स स्क्वायर माइनस में है तो उसके साथ हमेशा माइनस वाला टर्म्स लेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस का है तो हमेशा उसके साथ प्लस वाला टर्म, मतलब जो हम प्लस माइनस कर रहे हैं प्लस वाला टर्म्स लेंगे, ठीक है अरे भाई समझे, ठीक सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ एक एक करके याद रखना सारी, मैं तो बहुत मारूंगा। 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर टी, देख इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 माइनस 2x ऑफ डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है 4 माइनस 2x dx बराबर डी टी, पहले वाले टर्म्स में ये वाला वैल्यू पुटिंग करना है, सेकंड वाला टर्म्स कहाँ पे, ये नहीं जिस माइनस के एक बटे दो का इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना, क्योंकि ये पूरे के मल्टीप्लाई में है, देख माइनस के एक बटे दो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय रूट टी, डी टी बाय रूट टी, ठीक है। अच्छा इसका क्या जाएगा, इसको लिखेंगे प्लस फोर इंटीग्रेशन वन बाय रूट ऑफ, वन बाय रूट ऑफ क्या जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस, देखो अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स, फॉर्मूला क्या बनेगा x माइनस 2 का स्क्वायर क्या बनेगा, अरे बस समझ में, ठीक। अच्छा ये फॉर्मूला बन गया किसका, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है माइनस का एक बटे दो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रूट टी बाय वन बाय टू, वन बाय टू से वन बाय टू कैंसल, ठीक इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाय टू प्लस सी होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस में जाता है रूट में साइन इनवर्स में, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स का वैल्यू पूरा आ जाएगा ये एक्स माइनस टू बाय टू, एक्स माइनस टू बाय टू, क्वेश्चन खाली मुली में लेंदी हो मैं नहीं चाहता। रूट टी, रूट टी कितना जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फोर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू बाय टू प्लस सी, हाँ माइनस का चार बचेगा है यहाँ पे, ये इसमें हाँ बता क्या कह रहा है गधे, देख इसमें प्लस फोर माइनस फोर कर ले सही है, माइनस फोर क्या जाएगा और फोर ही आ जाएगा सही है, अब वैसे कर ले या वैसे समझ ले दोनों तरीके से समझ।